हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास ट्वेल्थ की इंग्लिश, और क्लास ट्वेल्थ की इंग्लिश का ये पोयम का एक सेंट्रल आइडिया है, आई थिंक ऑफ ब्यूटी। ये जो पोयम है, इसके जो राइटर है जॉन कीट्स हैं, जो इसके पोइट हैं। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, और सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय भाव या केंद्रीय विचार। और देखें इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं इंग्लिश से हिंदी में, वो समझें। देखिए, द पोइट, पोइट का मतलब क्या होता है, कवि। कवि जो है कौन है, जॉन कीट्स। इन दिस पोयम, इन हिज पोयम, अपनी पोयम में, इन हिज पोयम, अपनी पोयम में, कौन सी पोयम है, आई थिंक ऑफ ब्यूटी। आई थिंक ऑफ ब्यूटी अपनी पोयम में, टेल्स का मतलब बताते हैं। देखिए, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, तो यहाँ पर बोलेंगे बताते हैं। ये बताते हैं, वर्ब में जब भी ऐसा जाता है तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस लाता है, वो बताते हैं। डेट की द ब्यूटीफुल थिंग्स, जो खूबसूरत वस्तुएं होती हैं, द ब्यूटीफुल थिंग्स, जो खूबसूरत वस्तुएं हैं, और द सोर्स, देखिए सोर्सेस का मतलब होता है स्रोत, और द सोर्सेस स्रोत होते हैं, और ग्रेट जॉय, बहुत ज्यादा आनंद के, ग्रेट का मतलब बहुत ज्यादा है, और जॉय होता है आनंद या खुशी, एंड हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का मतलब क्या होती है, खुशी। तो बहुत ज्यादा खुशी का ये स्रोत बन जाता है कौन, एक ब्यूटीफुल कोई थिंग, कोई थिंग होती है, कोई वस्तु होती है, अगर कोई खूबसूरत सी वस्तु है, तो उससे क्या होता है, उससे हैप्पीनेस मिलती है, खुशी मिलती है, ऐसा बता रहे हैं जो जॉन कीट्स हैं। अगर समझे, देयरफॉर, इसलिए, देयरफॉर का मतलब क्या होता है, इसलिए, ध्यान पर रखना क्या होता है, इसलिए, ब्यूटीफुल थिंग्स, जो खूबसूरत सी वस्तुएं होती हैं, और वर्थ, वो बहुमूल्य धरोहर है, वर्थ ट्रेजरिंग का मतलब, वर्थ ट्रेजरिंग का मतलब होता है बहुमूल्य धरोहर है। विद द पासिंग, विद द पासिंग ऑफ टाइम, समय गुजरने पर, विद द पासिंग ऑफ टाइम, समय गुजरने पर, पूरी फेरेजल वर्ब आपको याद करनी पड़ेगी। द स्वीट रिकलेक्शन, जो मीठी यादें होती हैं, रिकलेक्शन का मतलब होता है यादें। देखिए, द स्वीट रिकोलेक्शन, जो मीठी सी यादें होती हैं, ऑफ ब्यूटी, खूबसूरती की, विकम हो जाती है मोर जॉयफुल, और ज्यादा आनंददायक हो जाती हैं, जॉयफुल हो जाती हैं, इसको बोलते हैं आनंददायक। तो यहां पर बोला गया है, जैसे समय गुजरता है, विद द पासिंग ऑफ टाइम, जो स्वीट रिकोलेक्शन होती हैं, जो यादें होती हैं, वो और ज्यादा समय के साथ साथ जॉयफुल हो जाती हैं। क्रिएशंस ऑफ गॉड, ईश्वर के द्वारा जो क्रिएशंस किए गए हैं, क्रिएशंस का मतलब होता है चीजें बनाए जाना, क्रिएशंस का मतलब होता है, क्रिएशंस का मतलब क्या होता है, बनावट, क्या होता है, बनावट, जो ईश्वर के द्वारा चीजें बनाई गई हैं, प्रोवाइड, वो हमें प्रोवाइड कराती है, मुहैया कराती है, मुहैया मतलब बांटना होता है, एनर्जी मतलब ऊर्जा, उससे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जो कुदरत के द्वारा चीजें बनाई गई हैं, एंड हैप्पीनेस, और खुशी मिलती है। थिंग्स अराउंड, जो थिंग्स अराउंड होती हैं, मतलब जो चीजें हमारे चारों ओर होती हैं, वस्तुएं जो हमारे चारों ओर होती हैं, अराउंड मतलब चारों ओर, अस हमारे, मेक अस फील, वो हमें फील कराती हैं हैप्पी, खुशी, तो वो हमें क्या महसूस कराती हैं, खुशी महसूस कराती हैं। तो इस तरीके से तुम इसका ट्रांसलेशन कर सकते हो, और कर देते हैं हम इसको क्लीन, वो ले सकते हो इसका स्क्रीनशॉट। देखिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, समझिए कैसे करेंगे इसका सेंट्रल आइडिया का ट्रांसलेशन, वो समझे आप। देखिए, इन दिस पोयम, इस पोयम में, इन दिस पोयम का मतलब होता है इस पोयम में, द पोइट, जो कवि है, पोइट का मतलब होता है कवि, कवि, पैवलो नेरुला, पैवलो नेरुला, सेज का मतलब कहते हैं, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, यह है कहते हैं, जो कवि है वो कहते हैं, क्या कहते हैं, अर्थ, पृथ्वी, कौन, अर्थ, पृथ्वी, डेट लुक्स, जो दिखाई देती है साइलेंट, शांत, पृथ्वी कैसे दिखाई देती है, बिल्कुल शांत दिखाई देती है, स्टिल फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से, अगर आप अंतरिक्ष में जाएंगे तो पृथ्वी कैसे दिखाई देगी, शांत सी दिखाई देगी, बट परंतु इट हैज इमेंस पॉसिबिलिटी, इमेंस का मतलब होता है बहुत अधिक, क्या होता है, बहुत अधिक, क्या होता है, बहुत अधिक होता है, तो इसमें बहुत अधिक पॉसिबिलिटी होती है, संभावनाएं होती हैं, किसकी संभावनाएं होती हैं बताएंगे, ऑफ लाइफ, जिंदगी की, विद इन इट, इसके अंदर, तो इस पृथ्वी के अंदर जीवन की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, इसमें ज्यादा क्या होता है, जीवन पनपता है। अगर समझे, He wants, वह चाहते हैं, देखिए सब्जेक्ट का ये wants आ गया, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, वर्ब कौन आ गया, एस, वह चाहते हैं अस हमें, टू कीप साइलेंट, वो चाहते हैं कि हम साइलेंट रहें, शांत रहें, साइलेंट का मतलब शांत, एंड और सस्पेंड, सस्पेंड का मतलब होता है छोड़ दें, सस्पेंड का मतलब होता है छोड़ देना, क्या होता है, छोड़ देना, क्या छोड़ देना, ऑल एक्टिविटीज, सारे कामों को, एक्टिविटीज होता है क्रियाकलाप या काम, तो हम सारे कामों को छोड़ दें, काम छोड़कर क्या करें आप बताएंगे, दी अर्थ, पृथ्वी, देखिए बोबिल से पहले इसको दी पढ़ते हैं, दी अर्थ, पृथ्वी, कैन टीच अस, वो हमें सिखा सकती है, टीच का मतलब सिखाना होता है,
या पढ़ाना होता है तो यहां पर पृथ्वी हमें सिखा सकती है। डेट वी नीड, हमें जरूरत है, डेट वी नीड, हमें जरूरत है रेस्ट, आराम की, रेस्ट आराम की, हाँ रेस्ट टाइम, आराम से सोचने की, टू थिंक, सोचने की, तो हमें जरूरत है इस टाइम आराम से बैठकर सोचने की, किसके बारे में, फॉर द ब्राइट फ्यूचर, एक बढ़िया या उज्जवल भविष्य के लिए। ब्राइट फ्यूचर का मतलब होता है अच्छे भविष्य के लिए, हमारा जो भविष्य आने वाला उसके बारे में सोचो। ओके, द पोएट जो कवि है आक्स, वो मालूम करते हैं, कहते हैं हमसे, देखिए जो कवि है वो हमसे क्या कहते हैं, टू स्टॉप, रोक दो, स्टॉप का मतलब होता है रोकना, वॉर्स युद्ध, युद्ध रोक दो, और हेट का मतलब होता नफरत, तो नफरत को रोक दो, ये कवि कह रहे हैं। पॉल्यूशन होता प्रदूषण, क्या होता प्रदूषण, तो प्रदूषण को रोक दो। किलिंग और मारने को रोक दो, किसको, एनिमल्स, जानवरों को, तो कभी जो है वो आस्क्ड अस, हमसे कहते हैं कि युद्धों को रोक दो, ये युद्ध होते रहते हैं, और नफरत को रोक दो, नफरत करते हैं दूसरे से लोग, पॉल्यूशन प्रदूषण को रोक दो, और किलिंग ऑफ एनिमल्स और जानवरों को मारने से रोक दो, जो जानवरों को मारा जाता है, एंड हंटिंग और शिकार करना रोक दो, आर्सेल्स एक दूसरे का, मतलब एक दूसरे का शिकार करते रहते हैं, एंड स्पेयर, स्पेयर का मतलब बिताओ सम टाइम, कुछ समय, तो स्पेयर सम टाइम, कुछ समय बिताओ, टू गो डीप इन टू द सोल, अपनी आत्मा में डूब जाओ, मतलब अपनी आत्मा के बारे में सोचो, खुद से पूछो कि तुम्हें क्या करना है, तो डीप इन टू द सोल, अपने सोल के बारे में डीपली तरीके से सोचो और बताओ। साइलेंस इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज, जो साइलेंस है वो सार्वभौमिक, मतलब सब जनों के लिए क्या है, एक यूनिवर्सल भाषा है, साइलेंस चुप रहना एक सार्वजनिक भाषा है, सबके लिए काम करती है ये। आगे है व्हिच विल चेंज, जो बदल जाए, जो बदल देगी, व्हिच विल चेंज, जो बदल देगी आर थिंकिंग, हमारे सोच को, तो शांत रहना ही एक क्या होता है, एक सार्वजनिक क्या होती है, ये एक लैंग्वेज होती है, भाषा होती है, जो सब लोग समझते हैं, चाहे जानवर हो, इंसान हो, कुछ भी हो, ए टू जेड, तो हर जो जानवर है वो साइलेंस को समझ सकता है, साइलेंस से कोई भी आइडिया लगा सकता है। इस सेंट्रल आइडिया का जो मेन संदेश है इसमें यही बताया गया है कि अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। तो देखिए फ्रेंड्स, हम कर देते हैं इसको क्लीन और आप ले सकते हैं फिर इसका स्क्रीनशॉट। चलिए आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, तो इस सेंट्रल आइडिया आपको जरूर तैयार करना चाहिए। देखिए सेंट्रल आइडिया है माय मदर एट 66, इसके जो राइटर हैं कमला दास हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए। देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं हम इंग्लिश टू हिंदी में, स्टेप बाय स्टेप, मीनिंग बाय मीनिंग, समझिए इसको। द पोयम, कौन सी पोयम, माय मदर एट 66, माय मदर एट 66 जो पोयम है इस कंपोज्ड बाय, कंपोज्ड बाय का मतलब होता है लिखी गई है, क्या होता है इसका मतलब, लिखी गई है, इसके द्वारा लिखी गई है वाई कमलादास, कमलादास के द्वारा लिखी गई है। मदर ऑफ द पोएटेस, पोएटेस का मतलब होता है कवित्री, कोई लेडीज है तो कवित्री है, तो वो कवित्री जो है मतलब मदर ऑफ द पोएटेस मतलब कवित्री की जो माँ है, इज पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू का मतलब होता है से गुजरना, हर ओल्ड एज, बुढ़ापे से, ओल्ड एज का मतलब बुढ़ापा होता है, तो कवित्री की जो माँ है वो अपने बुढ़ापे से गुजर रही है। अब 66 ईयर की है मतलब 66 साल की है, तो बुढ़ापे से गुजर रही है। आगे समझिए, सी फियर्स, वह डरती हैं, फियर्स का मतलब होता है डरना, क्या होता है डरना, ये सब्जेक्ट है, देखिए समझिए, सी फियर्स, वह डरती हैं, सब्जेक्ट है वर्मा गैस, तो क्या हो गया प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस, वह डरती हैं ऑफ लॉसिंग, खो देने से, हर एंड फील्स, महसूस करती हैं, फील्स का मतलब होता है महसूस करना, एंड हर मदर विल डाई, वो महसूस करते हैं कि उनकी जो माँ है वो मरने वाली है, मतलब जल्दी ही मर जाएंगी, यहाँ पर बोला गया कि विल डाई वेरी सून, जल्दी ही मर जाएंगी, उनको ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है उनकी जो माँ है वेरी सून जल्दी ही मर जाएंगी। सी लुक आउट, वह देखती है चारों ओर को, लुक आउट का मतलब होता है चारों तरफ देखना सावधानी से, ऑफर कार, देखिए तो वह अपनी कार से चारों तरफ को देखती हैं, ऑन द वे, रास्ते पर, ऑन द वे का मतलब होता है रास्ते पर, ध्यान रखना क्या होता है रास्ते पर, टू डाइवर्ट, भटकाने के लिए, किसको भटकाने के लिए, हर अटेंशन, अपने ध्यान को, तो अपने ध्यान को भटकाने के लिए वो कार से बाहर को देखती हैं। ऐसा होता है कार से जाती हैं एयरपोर्ट पे, जिसका नाम है कोचिन एयरपोर्ट, अब वहां पर कार पे कार से ही जाती हैं, तो कार में ये अपने ध्यान को भटकाती हैं, इनका बार बार ध्यान जाता है इनके जो वहां है मरने वाली है, तो इस टाइप से वो बता रहे हैं, ये अपने ध्यान को भटकाती हैं।
अटेंड से मतलब होता ध्यान, फ्रॉम हर फियर अपने डर से, इनको जो डर लगता है कि इनकी जो माँ है मरने वाली है, इसी डर से ध्यान को भटकाती हैं। अगर समझिए, सी लुक्ड डेट लाइफ, वह देखती हैं इनकी जो जिंदगी है फुल ऑफ एक्टिविटीज, वह देखते हैं कि जिंदगी क्रियाकलापों से भरी पड़ी है, मतलब कामों से भरी पड़ी है। एक्टिविटीज का मतलब होता है क्रियाकलाप या काम। सी लुक्ड, वह देखती हैं, उन्होंने देखा है कि जिंदगी किससे फुल ऑफ एक्टिविटीज, एक्टिविटीज से भरी पड़ी है, क्रियाकलापों से भरी पड़ी है। द यंग ट्रीज, जो यंग ट्रीज होते हैं, जो छोटे पेड़ पौधे होते हैं, अपीयर्ड, वो ऐसे प्रतीत होते हैं, पेड़ का मतलब प्रतीत होना, टू बी रनिंग, ऐसा लगता है कि वो दौड़ रहे हैं, उनके जो पेड़ हैं रास्ते में, जो ये कार से जा रहे हैं, कार के साथ साथ पेड़ भी उनको ऐसे लग रहे हैं वो दौड़ रहे हैं साथ में। आगे है द चिल्ड्रन, जो बच्चे थे, वर वेरी हैप्पी, बच्चे बहुत ज्यादा खुश थे। देखिए द चिल्ड्रन वर, बच्चे थे, वेरी हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश। अभी कार से देखा उन्होंने, कार से बाहर जो बच्चे खेल रहे थे बहुत ज्यादा खुश थे। अगर समझे, देखिए आफ्टर द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद, आफ्टर का मतलब होता के बाद, सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी ने चेक किया द पोएटिस कवित्री को। सिक्योरिटी आप जानते हैं, जो तलाशी लेते हैं, छानबीन करते हैं कि कुछ है तो नहीं एयरपोर्ट पे, तो सिक्योरिटी ने चेक किया द पोएटिस कवित्री को। लुक्ड, देखा एट हर मदर, उसने अपनी माँ की तरफ को देखा। हु वॉज वीक, जो बहुत ज्यादा कमजोर थी, उसकी माँ क्या थी, बहुत ज्यादा कमजोर थी, 66 साल की है। एंड ब्रोकन इन हेल्थ, और उसकी हेल्थ क्या हो गई थी, खराब हो गई थी, हेल्थ बेकार थी। आगे है द पोएटेस, जो कवित्री हैं, पोएटेस का मतलब कवित्री, हार्डली, मुश्किल से ही, इसका मतलब ध्यान पर रखना, हार्डली का मतलब होता मुश्किल से ही, एक्सपेक्टेड, उनको आशा थी, जो कवित्री की यहाँ पर बोला गया है, जो कवित्री हैं उनको मुश्किल से ही आशा हुई थी, उसी हर अगेन, उसको आशा थी कि मुश्किल से ही ये दोबारा देख पाएंगी। देखिए सी का मतलब देखना, हर अगेन उन्हें, अपनी माँ को, तो कवित्री को ये आशा थी कि ये मुश्किल से ही देख पाएंगे दोबारा से अपनी माँ को, इसको बता रहे हैं कि सी हर अगेन, दोबारा से देख पाएंगे मुश्किल से। हाइडिंग, वो छिपा रही थी, हाइडिंग का मतलब होता है छिपाना, जैसा हाइड होता, हाइड कर दो, छिपा दो, हाइडिंग छिपा रही थी हर टीयर्स अपने आंसुओं को। टीयर्स क्या होते हैं, आंसू होते हैं, क्या होते हैं, आंसू होते हैं। सी सैड, उसने कहा, सी सून अम्मा, उसने कहा कि बहुत ज्यादा, हाँ सी सून अम्मा, तो यहाँ पर बोला गया है कि उसने कहा कि जल्दी ही मिलेंगे अम्मा, सी सून अम्मा का मतलब जल्दी ही मिलेंगे। आगे है ऑन दी अदर हैंड, इसका मतलब होता है दूसरी तरफ, ऑन दी अदर हैंड पूरा चलता है, इसका मतलब होता है दूसरी तरफ। मदर गोट सेटिस्फेक्शन, मदर को, माँ को क्या मिल जाता है, सेटिस्फेक्शन मिल जाता, संतुष्टि मिल जाती है। बिड द पोएटिस फेयरवेल, मतलब जो कवित्री हैं उनकी अच्छे से विदाई हो जाएगी, तो उनकी अच्छे से विदाई हो जाती है, वो एयरपोर्ट पर छोड़ कर आती हैं ठीक तरीके से, तो उनको ये सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि उनकी जो लड़की है, जो कवित्री है, वो ठीक है, इनकी अच्छी से विदाई हो गई है, तो उनको सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। तो देखिए ऐसा कर सकते हैं आप, ट्रांसलेशन कर देते हैं हम इसको क्लीन, और ले सकते हैं फिर इसका स्क्रीनशॉट। चलिए फ्रेंड्स ले सकते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट। देखिए देखिए ये जो सेंट्रल आइडिया है, ये काफी बार मालूम किया गया एग्जाम में, इसको समझिए, इसका ट्रांसलेशन। सेंट्रल आइडिया है कि एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, इसको जो राइटर है स्टेफन स्पेंडर है, और ये काफी बार मालूम किया गया है, पिछले साल भी आ चुका है। तो देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं इंग्लिश से हिंदी में, ध्यान से देखें। इन दिस पोयम, इस पोयम में, इन दिस पोयम, इस पोयम में, कौन सी पोयम में, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, इस पोयम के अंदर पोइट जो कवि है, कौन से कवि है, स्टेफन स्पेंडर, स्टेफन स्पेंडर ये व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेसिस का मतलब होता है व्यक्त करना या समझाना, तो ये व्यक्त करते हैं द पिटिएबल कंडीशन, दयनीय स्थिति को, दयनीय स्थिति को ये व्यक्त करते हैं, दयनीय स्थिति के बोले एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, जो ये पोयम है इसमें जो वर्णन किया गया है, ऐसे लोगों का वर्णन किया गया है जो गरीब है, बहुत ज्यादा ज्यादा गरीब है, झोपड़पट्टी में जो लोग रहते हैं ना, उनके बारे में बताया गया है। तो पिटिएबल कंडीशन के बारे में बताया गया, दयनीय स्थिति के बारे में, उनकी बुरी हालत है। ऑफ द पुअर, गरीब चिल्ड्रन, बच्चों की, तो चिल्ड्रन होती है बच्चे, तो गरीब बच्चों के बारे में इसमें बताया गया है। ऑफ स्लम एरियाज, जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, स्लम एरियाज का मतलब झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग। आगे है दे आर पुअर, वे गरीब हैं, दे आर पुअर, वे गरीब हैं, एंड इलिटरेट, और अनपढ़ है। इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़, क्या होता है, अनपढ़, और वो क्या है, अनपढ़ है। सो इसलिए देयर कंडीशन, उनकी जो कंडीशन है, उनकी जो स्थिति है, इज
वेरी माइजरेबल, माइजरेबल का मतलब होता है दयनीय, क्या होता है दयनीय, बुरी हालत है, माइजरेबल है। अगर समझिए अगर क्या है, द पोएट जो कवि है इज वेरी सैड, जो कवि है बहुत ज्यादा क्या है दुखी है, कवि क्या है बहुत ज्यादा दुखी है, सैड है, तो उसे देखकर देयर पिटिबल कंडीशन, उनकी दयनीय स्थिति को, उनकी दयनीय स्थिति को देखकर ये जो कवि है बहुत ज्यादा क्या है दुखी है। आगे है एंड और वॉन्ट्स, वो चाहते हैं डेट इट शुड बी चेंज्ड, वो चाहते हैं कि इसे बदल देना चाहिए, शुड बी का मतलब चाहिए, वो चाहते हैं कि इसको बदल देना चाहिए, कौन सी कंडीशन को, पिटिएबल कंडीशन को, उनकी जो बुरी हालत है उस कंडीशन को, उनकी जो कंडीशन हो रही है ये किस वजह से हो रही है उस रीजन को खत्म कर देना चाहिए, वो ये चाह रहे हैं। आगे हैं दे आर फिजिकली, वे शारीरिक रूप से, फिजिकली का मतलब होता है शारीरिक, क्या होता है शारीरिक, रिक क्या होता है शारीरिक, आगे समझे देखिए, दे आर फिजिकली, वे शारीरिक रूप से क्या है वेरी वीक, बहुत ज्यादा कमजोर है, हम गरीब हैं तो कमजोर तो होंगे, खाना पीना अच्छा नहीं होगा। आगे है द पोइट जो कवि हैज कॉन्सेंट्रेटेड, जो कवि है वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं या ध्यान केंद्रित करते हैं, कॉन्सेंट्रेट का मतलब था किसी बात पर फोकस करना, ऑन थीम्स, इस थीम पर, ये जो थीम चल रही है इसमें माइजरेबल कंडीशन के ऊपर या गरीब बच्चे को जो थीम चल रही है इस पर वो कॉन्सेंट्रेटेड करते हैं, अपना ध्यान डालते हैं, ऑफ सोशल इंजस्टिस, और समाज में होने वाले अन्याय के, सोशल इंजस्टिस का मतलब था समाज में होने वाला अन्याय, इंजस्टिस का मतलब अन्याय होता है, एंड क्लास इनइक्वलिटीज, इनइक्वलिटीज का मतलब होता है वर्ग असमानताएं, तो वर्ग असमानताओं में वो जो अन्याय हो रहा है उस पर ये फोकस करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। इन दिस पोएम, इस पोएम के अंदर ट्रूली, सच में, ट्रूली का मतलब था सच में, स्लम चिल्ड्रन, जो स्लम के चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, झोपड़पट्टी में रहने वाले जो बच्चे हैं, मस्ट बी ट्रीटेड, उनसे व्यवहार किया जाना चाहिए, मस्ट बी का मतलब चाहिए, उनसे व्यवहार किया जाना चाहिए, ट्रीटेड का मतलब व्यवहार करना, एज ए ह्यूमन, इंसानों की तरह, कि वो भी एक इंसान है उनकी तरह व्यवहार किया जाना चाहिए, ह्यूमन बींग का मतलब होता है इंसान होना। स्पीकिंग स्लम्स आर देमसेल्व्स हेल, हेल का मतलब होता है नर्क, क्या होता है नर्क, तो यहां पर बोला गया है कि स्पीकिंग बोला जाता है स्लम्स आर देमसेल्व्स, जो स्लम्स होती हैं वो खुद को एक नर्क बताती हैं, उनके लिए वो क्या है नर्क है, एक तरीके से नर्क है, तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, हम कर देते हैं इसको क्लीन और ले सकते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फ्रेंड्स, देखिए जो चैप्टर है, ये चैप्टर है आपका सिक्स, ये जो चैप्टर है इसमें क्या बताया गया है, ये जो पोयम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स के नाम से आती है। देखिए इसके जो राइटर हैं एड्रिन रिच हैं, आपको यहाँ पर मिल जाएगा लिखा हुआ आंट जेनिफर्स टाइगर्स, इसके जो पोइटेंस हैं कौन है, एड्रिन रिच हैं। अब इस पोयम में बेसिकली बताया क्या गया है, एक औरत को सताया जाता है उसके हस्बैंड के द्वारा, ओके, तो उसके ऊपर बेस्ड इसमें क्या है स्टोरी है, आपको समझनी चाहिए, इसमें शानदार मैसेज है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए सेंट्रल आइडिया, और सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय भाव या केंद्रीय विचार, क्या होता है केंद्रीय भाव या केंद्रीय विचार, तो आप लिख सकते हैं इसका मतलब होता है केंद्रीय भाव या विचार, केंद्रीय भाव या विचार। देखिए ट्रांसलेशन कैसे करते हैं इंग्लिश टू हिंदी में वो समझिए आप, देखिए इन द पोयम, इस पोयम में, कौन सी पोयम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, इस पोयम के अंदर आंट जेनिफर्स टाइगर्स पोयम के अंदर द पोइटेस, पोइटेस का मतलब होता है कवित्री, तो यहाँ पर एक कवित्री है, कौन है कवित्री है, ओके लेडीज है कोई, तो यहाँ पर बोला गया है कि इन द पोयम, इस पोयम में आंट जेनिफर्स टाइगर्स, आंट जेनिफर्स टाइगर में जो कवित्री है कौन है एड्रिन रिच, एड्रिन रिच क्या करती हैं एक्सप्रेस्ड मतलब व्यक्त करती हैं, समझाती हैं, क्या समझाती हैं हर सैडनेस अपने दुखीपन को, वो दुखी रहती हैं, क्यों रहती हैं आगे बताएंगे, सैडनेस का मतलब होता है दुख, तो वो अपने दुख को बताती हैं थ्रू के माध्यम से या के वजह से, किसकी वजह से बताते हैं हर ओप्रेस्ड, देखिए यहाँ पर ओप्रेस्ड का मतलब होता है सताया जाना, क्या होता है सताया जाना, तो यहाँ पे इनको ओप्रेस्ड किया जाता है, ओके आगे समझे। सिंबल आंट जेनिफर्स, किनको आंट जेनिफर्स को, जो आंट जेनिफर है, ओके आंट का मतलब चाची होता है, तो ये चाची कोई जेनिफर है, इनको सिंबल मतलब इनको सताया जाता है,
सिंबल का मतलब प्रतीक होता है, तो यहाँ पर जिसको सताया जा रहा है उसको सिंबल के रूप में दिखाया गया है। तो यहाँ पर आंट जेनिफर को सताया गया है। आगे है हु इज ट्रीटेड, जिससे व्यवहार किया जाता है। ट्रीटेड का मतलब होता है व्यवहार करना, व्यवहार करना क्या होता है, व्यवहार करना। तो इनसे व्यवहार किया जाता है बैडली, बुरी तरह। तो इनसे बुरी तरह से व्यवहार किया जाता है, इनको सताया जाता है, रुलाया जाता है, किसके द्वारा, वाई हर हस्बैंड उसके पति के द्वारा। तो हस्बैंड का मतलब होता पति, तो उसके पति के द्वारा उसको सताया जाता है। आगे है आंट जेनिफर हैड बीन मीक, देखिए मीक का मतलब होता दबना, तो क्या होता है मीक का मतलब, मीक का मतलब क्या होता है, दबना होता है। तो यहाँ पर दब के रहती हैं वो, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो आंट जेनिफर है हैड बीन मीक, वो दब के रहती हैं क्योंकि उनको डराया जाता है इस वजह से, एंड और टेरिफाइड, और उनको टेरिफाइड किया जाता है मतलब डराया धमकाया जाता है, इसका मतलब हो जाएगा डराना या धमकाना, डराना या धमकाना। इन हर मैरिड लाइफ, उनकी शादीशुदा जिंदगी में, मैरिड लाइफ का मतलब होता है शादीशुदा जिंदगी, तो उनकी जो शादीशुदा जिंदगी चल रही है उसमें उनको डराया धमकाया जाता है। व्हाइल द टाइगर्स, देखिए यहां पर बोला गया कि व्हाइल द टाइगर्स, उनके जो टाइगर्स हैं, सीक्रेटेड जो उसने बनाए हैं, किसने, जो आंट जेनिफर हैं उन्होंने टाइगर्स बनाए हैं, क्रेडिट किए हैं, बनाए हैं, आर बोल्ड, वो क्या है, बहादुर हैं, क्या है वो, बहादुर हैं, गैलेंट हैं, वीर हैं, तो इसका मतलब होता है वीर, इसका मतलब होता है बहादुर। फियरलेस का मतलब होता है निडर, उनको डर नहीं लगता है, उसने जो टाइगर बनाए हैं वो कैसे हैं, वो बहादुर हैं, वीर हैं, फियरलेस हैं, तो फियरलेस का मतलब होता है निडर, जिसको डर नहीं लगता हो। आगे हैं एंड हैव फ्री, वो आजाद हैं, फ्री है, आजाद हैं, स्प्रिट टू वॉक, घूमने से मतलब यहाँ वहां वो घूमते रहते हैं, हेयर एंड देयर, यहाँ वहां, तो यहाँ वहां वो घूमते रहते हैं, जो उसने क्रिएटेड किए हैं, बनाए हैं, किसने, आंट जेनिफर्स ने अपने जो टाइगर्स बनाए हैं। आगे हैं इन द फॉरेस्ट, जंगल में, इन द फॉरेस्ट का मतलब पूरे का निकलेगा क्या, जंगल में, तो जंगल में इधर उधर घूमते रहते हैं जो उसने टाइगर बनाए हैं। द क्रिएशन, ये जो क्रिएशन है, ये जो बनावट है ऑफ टाइगर्स, टाइगर्स की क्वाइट डिफरेंट, बिल्कुल अलग है, क्वाइट डिफरेंट का मतलब होता है बिल्कुल अलग होना, फ्रॉम हर करेक्टर, उसके करेक्टर्स है, जो आंट जेनिफर है उसके करेक्टर से बिल्कुल हटके है, मतलब वो दबके रहती हैं, ओके, और ये क्या है, निडर है, इस वजह से क्या है, ये डिफरेंट है, अलग है उनका जो करेक्टर है, फ्रॉम हर करेक्टर, उनके करेक्टर से। द पोइट जो कवि है, माइट बी, तो माइट का मतलब शायद भी हो सकता है, तो यहाँ पर बोला गया कि द पोइट माइट बी सजेस्टिंग, जो कवि है उसने सजेस्टिंग किया है, सुझाव दिया है, सजेस्टिंग का मतलब होता है सुझाव देना, क्या होता है, सुझाव देना, उन्होंने सजेस्टिंग किया, सुझाव दिया है, थ्रू दिस डिफरेंस, इस अंतर से, डेट अ वुमन, एक वुमन को, इसको वुमन पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, इसको वुमन पढ़ते हैं, वुमन का मतलब क्या होता है, औरत। यहाँ पर बोला गया है कि सजेस्टिंग, सुझाव दिया गया है इस डिफरेंस के माध्यम से कि डेट अ वुमन, एक औरत को, शुड नॉट बी टिमिड, टिमिड का मतलब क्या होता है, डर कर रहना, तो उसको डरपोंक नहीं बनना चाहिए, तो टिमिड का मतलब डरपोंक होता है, तो यहाँ पर बोला गया कि एक औरत को डरपोंक बनकर नहीं रहना चाहिए, सूट का मतलब चाहिए, एंड वीक और कमजोर, और कमजोर बनकर इसको नहीं रहना चाहिए, टेरिफाइड मतलब डर कर नहीं रहना चाहिए, एंड टेम्ड एज टू टॉलरेट, और सहन नहीं करना चाहिए उनको, इतना डर तो सहन नहीं करना चाहिए अगर उनका हस्बैंड पीटता है तब। दी इनह्यूमन, देखिए वो से पहले इसको दी पढ़ते हैं, दी इनह्यूमन इस अमानवीय, इसका मतलब होता है अमानवीय, इस अमानवीय व्यवहार को उनको टॉलरेट नहीं करना चाहिए, सहन नहीं करना चाहिए, इस बिहेवियर को, इस व्यवहार को, तो अमानवीय व्यवहार को सहन नहीं करना चाहिए ऑफ हर हस्बैंड, उसके पति के द्वारा जो किया जाता है, क्या किया जाता है, किया जाता है, ये जो व्यवहार किया जाता है अमानवीय व्यवहार उसके पति के द्वारा, उसको नहीं सहन करना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, ओके, तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, आसान तरीके से, और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट।